ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को अपना ट्रेडिंग सेटअप टूर देने वाला हूं पूरा। और ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस है तो बहुत प्लेन वॉल्स हैं, अभी कोई भी इंटीरियर जैसी चीज़ अभी यहां पे नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। और आज मेरा बर्थडे भी है तो हैप्पी बर्थडे टू मी। और आज मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को मैं सेटअप टूर में अपना दे दूँ। तो काफ़ी लोग को पूछ रहे थे कि ये स्क्रीन साइज़ क्या है, मॉनिटर आप कौन सा यूज़ करते हो, लैपटॉप कौन सा यूज़ करते हो, तो वो सब चीज़ें मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक व्यू में आप लोग प्रॉपर सेटअप टूर देख सकते हो यहाँ से। दिस इज़ द चेयर, ठीक है। अब यहाँ पे जो चेयर है, चेयर से मैं स्टार्ट करता हूँ, कैमरामैन पास में आ जाओ, ठीक है। अब ये चेयर है, जो ये ग्रीन सोल की चेयर है और इस चेयर को ऑलमोस्ट 2 साल हो गया अभी और कोई भी प्रॉब्लम अभी इसमें नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ी सी गंदी आप कह सकते हो बिकॉज अभी तो मैं बैचलर ही हूँ, ठीक है। और ये सबसे पहली चेयर है, बहुत कंफर्टेबल है, लॉन्ग आवर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है। और हाँ, एक और जो बात है कि हमारा जो ऑफलाइन क्लासेस है उसका एक प्रॉपर एक हमने रेंट पे स्पेस लिया है, तो वहाँ पे हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी और वहाँ पे मैं ऑफिस भी शिफ्ट कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पे मैं अब सिर्फ शाम को एक्टिव रहूँगा, बाकी मेरा सुबह से शाम तक का शेड्यूल वहीं रहेगा। और इसलिए मैंने कोई भी यहाँ पे वर्क अभी इंटीरियर वगैरह नहीं कराया है, बिकॉज अब मैं पूरा ध्यान मेरा पूरा दिन वही निकलेगा तो मैं उसको ज़्यादा अभी प्रिपरेशन करने में लगा हुआ हूँ, ठीक है। लेकिन मैं स्विंग ट्रेडिंग अभी जो मैं इतने टाइम से कर रहा हूँ वो सेटअप इसलिए आप लोग को चलो थोड़ा सा दिखा देता हूँ। फिर इसके बाद आप यहाँ हो गए तो सबसे पहला आपको यहाँ पे दिखेगा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ट्रेडर। तो पेशेंस, करेज, डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस, कंसिस्टेंसी, ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। यहाँ पे वॉच बोल रहा हूँ, ठीक है, वॉच लगी हुई थी जो वॉल वॉच है, लेकिन उसको मैंने रिमूव करके ये लगा दिया है, ठीक है, बिकॉज दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रहने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे वाइट बोर्ड है और इसमें आप देखोगे डिसिप्लिन, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कैमरे के पीछे रहती हैं। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये डेट्स मैं हर वक्त यहाँ पे क्या लिखता हूँ, 30-40 दिन लिख देता हूँ और मैं फॉलो करता हूँ कि यार मैंने किस दिन प्रॉपर काम किया है नहीं किया है। जैसे अभी मैं 4 दिन कंसिस्टेंसी मेरे को फिर से हो गया, मतलब पुराना वाला रिमूव करके फिर से मैंने लिख लिया है। अगर 5वें दिन मेरा काम प्रॉपर, जैसे कि जिम जाना, प्रॉपर ट्रेडिंग, डाइट, स्लीप, वॉक, अगर ये प्रॉपर नहीं हो रहा है तो मैं वापस से day 1 पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। फिर यहाँ पे गौतम बुद्ध आपको दिख जाएंगे, यहाँ पे ट्राईपॉड आपको दिख जाएगा, ये ट्राईपॉड छोटा सा है, इसमें वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए काम आता है, और एक ट्राईपॉड और है जिससे अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे है ये लैब केयर का है कीबोर्ड और सेम है माउस, ये जो है दोनों का साथ में ही आया था कॉम्बो, ये मेरे छोटे भाई ने मुझे दिया था और उसका यूज़ कर रहा था लेकिन वो यूज़ नहीं कर पा रहा था तो मुझे अच्छा लगा था। माउस काफ़ी कंफर्टेबल लगा था, इतने कंपनीज़ वाले मुझे कंफर्टेबल नहीं लगे थे HP या डेल के, जितना ये मुझे कंफर्टेबल लगा था और बहुत अच्छे चल रहे हैं, कोई भी इशू अभी यहाँ पे नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे है अपना मैमबन का लैपटॉप एप्पल का, इसको 3 साल से भी ज़्यादा हो गया है और 0 इश्यूज़ हैं, कोई भी अभी तक प्रॉब्लम इसमें मुझे देखने के लिए नहीं मिली है। बहुत कंफर्टेबली मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और बहुत अच्छे से इसने अभी तक मेरा साथ दिया है। हाँ, ये इसमें वीडियो एडिटिंग वगैरह नहीं होती है, इसमें वीडियो एडिटिंग आप नहीं कर सकते हो, लेकिन जब मैं काम कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो जैसे मैं गाने सुनता हूँ या फिर कुछ वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा काम है तो वो इस पे ईजिली हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ पैड्स हैं जो कि आप बोल सकते हो कीबोर्ड पैड वगैरह हैं, 2-3 मैंने रखे हुए हैं, ठीक है। ये टेबल भी आप साइज़ देखोगे तो टेबल भी काफ़ी बड़ी है, टेबल ये मैंने रिसेंटली 2-3 महीने पहले बाई की है। और ये टेबल मैं सेम ऑलमोस्ट ऑफिस में भी रखने वाला हूँ, बहुत कंफर्टेबल है, साइज़ बहुत अच्छा है कि मेरा पूरा सामान आ जाता है और यहाँ पे स्टोरेज भी अच्छी है इसमें। यहाँ पे आप देखोगे तो स्टोरेज भी अच्छी है कि यहाँ पे ड्रॉजेस हैं इसमें, जिसमें अपनी डायरी, जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं और जो वायरिंग्स होती है, जैसे PS5 का भी रिमोट वगैरह है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं इसी में रख देता हूँ, उससे क्या होता है तो साथ में चीज़ें रहती हैं। अब जो टेबल मैं बिना ड्रॉज वाली ले लूँ तो ये सामान अलग से रखना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद ये है LG की अल्ट्रा वाइड मॉनिटर, ठीक है। आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे जाओगे तो आपको सिंपली टाइप करना है LG अल्ट्रा वाइड मॉनिटर, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रेडिंग के लिए परफेक्ट है ये मॉनिटर। ट्रेडिंग पर्पस के लिए बेस्ट है क्योंकि चार्ट्स को जब एनालिसिस करना होता है तो अल्ट्रा वाइड स्क्रीन का बेस्ट यूज़ होता है। कर्व वाली भी मैंने देखी हुई थी बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी और उतनी मुझे ज़रूरत नहीं थी, इस वजह से मैंने नॉर्मली सिंपली, ये इसका प्राइस शायद 30,000 के आसपास था, 30,000 में ये जो है हमारी LED आ गई थी, ठीक है, मॉनिटर। इसके बाद यहाँ पे है एक मोबाइल स्टैंड जिस पे मैं आईफोन रखता हूँ और एक और है जो अभी शायद वहीं रखा होगा जिससे अभी वीडियो शूट हो रही है, तो यहाँ पे ये मैं आईफोन अपना रख लेता हूँ फ़ोन, ठीक है। फिर साइड में आप देखोगे तो दिस इज़ द बुल, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ये कहाँ से ऑर्डर किया है,
तो मैंने इसकी इंस्टाग्राम पे ऐड देखी हुई थी। इंस्टा पे मैंने ऐड देखा और इसको इंस्टेंटली ऑर्डर कर दिया था, बिकॉज ये बहुत अच्छे एक साइन भी लग रहा था। बिकॉज एज अ स्विंग ट्रेडर मुझे बुल मार्केट्स मैंने 2020 के एंड पे जो देखा है, मतलब क्रैश देखा, उसके बाद से जो मेरा पैसा बना है वो बुल मार्केट में बना है। तो मेरा जो सिनेरियो है, मुझे बुल मार्केट ज़्यादा पसंद है और स्टॉक ऊपर जाए वो ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। तो इसलिए बुल यहाँ पे है। साथ में यहाँ पे गणेश भगवान की आप देखोगे छोटी सी मूर्ति भी रखी हुई है, ठीक है। तो गणेश जी आप देख रहे हैं, काफ़ी लोग जो पुराने सब्सक्राइबर्स उन्होंने देखा होगा, बहुत टाइम से ये सेम गणेश जी की मूर्ति मेरे पास है, ठीक है, और ये हमेशा रहने वाली है। फिर मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब इसको बुल को मैं साइड कर दूं तो यहाँ पे ये है मैक मिनी, एप्पल का मैक मिनी है, और दिस इज़ द बेस्ट एवर परचेज्ड आई हैव एवर मेड, बिकॉज इसको लेने के बाद मुझे CPU जैसी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। अब CPU में क्या होता है कि अब मैं इतना बड़ा CPU लूँ, इससे ऑलमोस्ट 3 गुनी साइज़ का CPU लूँगा, और अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूँ और इसको रखने का स्टोरेज का प्रॉब्लम है और मैं गेमिंग कर रहा हूँ, तो फिर PS5 मैंने ले रखा है। अगर वो हाई प्रोफाइल एडिटिंग बहुत ज़्यादा मेरा काम नहीं है, मैं एक नॉर्मल YouTube वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, तो उस हिसाब से मैक मिनी का बेस्ट परफॉर्मेंस है। कभी भी लैक नहीं किया इसने, ना कभी हैंग हुआ है, ऐसी कोई भी चीज़ देखने के लिए नहीं मिली। तो मैक मिनी मैं बोलूँगा बेस्ट एवर परचेज। 60,000 के आसपास इसका प्राइस था और ऑलमोस्ट 6 मंथ से भी ज़्यादा भी इसको हो चुका है। फिर यहाँ पे है ये आप सब लोगों का गिफ्ट जो था YouTube प्ले बटन, ठीक है। आई होप हम यहाँ पे गोल्डन प्ले बटन भी बहुत जल्द रखेंगे, अभी तो 300 के हैं, 1 मिलियन भी होंगे कभी ना कभी, बहुत जल्द होंगे। तो यहाँ पे है हमारा YouTube प्ले बटन और काफ़ी टाइम हो गया YouTube प्ले बटन को, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द आई विल से कि जो मुझे मोटिवेट रखता है कि मुझे इसका बड़ा भाई गोल्डन बटन भी लेके आनी है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखोगे PS5 और ये एप्पल का लोगो बस मैंने लगा दिया है, बिकॉज ये मैक मिनी के साथ आया हुआ था, फ्री था, तो मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। और अभी इस पर देखोगे आप वायरिंग्स वगैरह मैंने रिमूव कर दी है, बिकॉज मैं मुश्किल से महीने में सैटरडे संडेज़ को कभी कभार ही अब खेलता हूँ, बिकॉज अभी ऑफिस सेटअप जो ऑफलाइन क्लासेस का सेटअप है वो उसका काम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो पूरा टाइम वहीं निकल जाता है। अभी यहाँ पे काम करना फिर वहीं दिन भर निकल जाता है, तो फिर मैं प्रॉपर वहाँ पे अभी सेटअप का काम है, इसलिए गेमिंग वगैरह के लिए टाइम तो अभी नहीं मिलता है। बाकी हाँ, PS5 का सपना और शौक पूरा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, यहाँ पे है मेरे पास जो भी बुक्स हैं, ये रिसेंटली कार्तिके ने गिफ्ट की है, ठीक है। ये द थ्रोफुल इन्वेस्टर बसंत महेश्वरी, इनकी अभी इसको पढ़ना बाकी है। अभी मैं सीक्रेट ये ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत टाइम हो गया है लेकिन मैं ख़त्म ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत कम पढ़ पा रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द सम बिजी शेड्यूल, ओके। इसके बाद है डायरीज़, इस पर मैं अपने डेली काम लिखता हूँ, मुझे क्या काम करना है वो डेली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये डेली यूज़ के लिए है। और ये जो डायरी है, अब इसको ओपन करके तो मैं सामने नहीं बता सकता हूँ, इसमें मेरे गोल्स हैं, मुझे क्या क्या गोल्स अगले मंथ तक, अगले साल, अगले 5 साल 10 साल में अचीव करने हैं, वो सब कुछ मैं इसमें लिखते रहता हूँ। और कोई भी बिज़नेस आइडिया होता है या फिर कोई भी जैसी चीज़ होती है जो मुझे करना है, तो वो सब मैं इसमें लिखते रहता हूँ। या फिर कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो मुझे 10 साल के लिए होल्ड करना है, तो वो मैं लिख के रखता हूँ, यार मुझे इतने टाइम के लिए इसको होल्ड करके रखना है, ठीक है। सो दिस इज़ द सिंपल सेटअप गाइस। इसके अलावा और कोई चीज़ मुझे नहीं लगती ज़रूरी है, बिकॉज इतना सब कुछ है। बाकी फैंसी लाइट्स वगैरह मैं नहीं यूज़ करता हूँ, बिकॉज उसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ती है। और यहाँ पे भी वॉल्स पे भी आप देखो कि बिल्कुल प्लेन है। इस पर मैं काम कराऊँगा, आई एम नॉट डिक्लाइनिंग कि यार यहाँ पे मैं प्लेन ही रखने वाला हूँ। ऑफकोर्स इंटीरियर स्टोरेज बहुत सारी चीज़ें कराना है, लेकिन अभी ऑफिस का काम चल रहा है तो वहाँ का सेटअप टूर आप लोग को दूंगा, तो दिल खुश हो जाएगा जैसा वो बनने वाला है। और ड्रीम सेटअप या फिर ड्रीम ऑफिस आप उसको बोल सकते हो। और अगर उस आप चाहते हो कि जो अभी काम वहाँ पे चल रहा है, जो ऑफिस अपना बन रहा है, ऑफलाइन क्लास और पर्सनल जो मेरा ऑफिस बन रहा है, तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका सेटअप आप लोग को ज़रूर दूंगा। और एज अ ट्रेडर जब स्टार्ट करते हैं, तो मैं आप लोग को बताऊं, मेरे पास एक सिंपल सा डेल का लैपटॉप था जो कि मेरे भाई ने लिया था, उसके साथ मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने डायरेक्टली सोचा कि कल मुझे ट्रेडिंग स्टार्ट करना है और आज जाके मैं ये मॉनिटर और ये लैपटॉप वगैरह ले आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हर एक चीज़ 4 साल में धीरे धीरे करके आई है। आप जो आईफोन भी देख रहे हो, तो वो 1 साल में, ऐसा नहीं है कि मैंने आज ट्रेडिंग स्टार्ट की और कल से आ गया, बहुत टाइम लगा तब जाके वो मैं आईफोन भी ले पाया। अगर मैं टोटल कॉस्ट की बात करूं, ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको आइडिया दूं, फ़ोन का भी मिला के सबसे एक्सपेंसिव तो फ़ोन ही हो जाता है इन सब में। फ़ोन का जो कॉस्ट है वो लगभग 1,80,000 है, बिकॉज मैंने आईफोन 13 प्रो लिया था
15 अभी लॉन्च हो गया है, बट मुझे ज़रूरत नहीं है, 13 प्रो मोर देन एनफ है। और इसका 1 TB स्टोरेज है, इसलिए इसका जो कॉस्ट है वो 1,80,000 आया था, ठीक है। और इन सब चीज़ों का भी मैं और फ़ोन का अगर कॉस्ट कर दूँ कवर, तो लगभग 5 लाख रुपए के आसपास का टोटल बजट बन जाएगा, ठीक है। अब 2 लैपटॉप और है मेरे पास जो वहाँ पे अभी रखे हुए हैं, उनकी ज़रूरत उतनी नहीं पड़ती है, कभी कभार पड़ जाती है इन केस, तो उनको मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो 5 लाख के आसपास का सेटअप टूर है। और अगर आप बिगनिंग स्टेज में हो, 20-25-50 हज़ार वाला लैपटॉप भी आपके लिए मोर देन एनफ है। और अगर आप टैबलेट भी ले रहे हो 20 हज़ार वाला, तो भी मोर देन एनफ है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है कि किसी का सेटअप, आजकल रील्स में हम यही देखते हैं सेटअप टूर्स, और बहुत ज़्यादा इसका वो चलता है कि जितना ज़्यादा आप चमक धमक दिखाओगे उतने ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे। ये बात तो सही है, बट स्टिल आप उन सब चीज़ों पे ध्यान न देके ट्रेडिंग स्किल्स डेवलप करो, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अभी मैं इस वीडियो को एडिट करने भी यहीं बैठने वाला हूँ, यहीं बैठ के मैं एडिट करूँगा। और दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, यहाँ बैठ के ही मेरा पूरा काम होता है, और दिन भर ही मैं वो रहूँ तो यही निकल जाता है ऑलमोस्ट मेरा। अभी ऑफिस ओपन हो रहा है तो फिर वहाँ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा ट्रेडर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।